शुभ प्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ते हैं सुक्तयः, है ना। बहुत ही आवश्यक जानकारी, है ना, ज्ञान युक्त बातें जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अजीर्णे अभोजन मिति, इसका अर्थ होता है अजीर्ण में भोजन उचित नहीं है। फूडिंग इज इम्प्रॉपर इन इंडाइजेशन। अजीर्ण मीन्स क्या होता है, जब कोई मनुष्य बहुत समय तक अनुपयुक्त अथवा अधिक आहार करता है, है ना, जरूरत से ज़्यादा। जब कभी कभी हमें कुछ भोजन या कुछ, है ना, भोज्य पदार्थ जब अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है तो हम क्या करते हैं, कुछ अधिक मात्रा में भी खा लेते हैं, जिसे हम अधिक आहार कहते हैं। तथा कुसमय भोजन, कुसमय मीन्स क्या होता है, जो समय अनुपयुक्त होता है। जैसे खाने, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, ठीक है। तो खाना खाना भी किस में चाहिए, हमें समय में चाहिए। जैसे रात्रि को आप 2 बजे तो भोजन नहीं कर सकते, है ना, या रात्रि को बहुत अधिक रात्रि में भी भोजन नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपके लिए अनुपयुक्त होता है। ऐसे ही कुसमय भोजन करता है तो, या फिर जो उष्ण के अलावा ठंडा भोजन करता है, है ना, वो उसमें भी ये आ जाता है ना, तो उसकी क्या हो जाती है, पाचन शक्ति निर्बल हो जाती है, जिसके कारण कभी कब्जियत होना या कभी पतले दस्त होना, भूख मर जाना, पेट फूलना, पेट में वायु का संचय होना, पेट दर्द, छाती में जलन आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं। और यही स्थिति क्या कहलाती है बच्चों, अजीर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, अजीर्ण कहलाती है। अधिकांश लोग भोजन की सही विधि नहीं जानते, गलत विधि से, गलत मात्रा में, अर्थात आवश्यकता से अधिक या बहुत कम भोजन करने से, अहितकर भोजन करने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे कब्ज रहने लगता है। तब आंत में रुका हुआ मल सड़कर दूषित रस बनाने लगता है। यह दूषित रस ही सारे शरीर में फैलकर विविध प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अजीर्ण को बदहजमी, अपच, मंदाग्नि तथा अग्निमान भी कहते हैं। जब बिना भूख लगे, अभ्यास या परिस्थितिवश अधिक भोजन किया जाता है तो वह भोजन बिना ठीक से परिपाक हुए, अर्थात पचे हुए, आंतों में चला जाता है। आंतों में उस भोजन से जो रस बनता है वह क्या होता है, कच्चा होता है, उसमें सड़न होने लगती है, ठीक है ना। कच्चा भोजन क्या हो गया, सड़न होने लगती है, जिससे आँव की उत्पत्ति होती है, या आँव नसों को कमजोर कर देता है, जिससे मंदाग्नि का रोग अपनी जड़ जमा लेता है, अर्थात अजीर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अजीर्ण में क्या करना चाहिए, मंदाग्नि की रोगी को हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि अजीर्ण में भोजन उचित नहीं है। ये सुक्तिया का अर्थ यही है कि यदि अजीर्ण हो गया है, अपच हो गया है, तो हमें क्या रहना चाहिए, खाली पेट रहना चाहिए, ठीक है, और हो सके तो व्रत उपवास भी रख लें। ये ज़्यादा क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए कहते हैं कि अजीर्ण में भोजन उचित नहीं है, अजीर्णे अभोजन मिति।